नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट्री में आपका स्वागत है। लगातार जनता के साथ सीधा रूबरू करवा रहे हैं, दिखाते हैं जनता के साथ बातचीत, जनता का क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, इनका कैसा अनुभव है, करवाएंगे इन्हीं के साथ बातचीत। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपका नाम? मेरा नाम आशा रानी। कहाँ से आए हो मैम? हम पंजाब से आए हैं। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? 10 साल से जानते हैं। कितना विश्वास करते हो? बहुत दृढ़ विश्वास, बहुत ज्यादा। मैम, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं? बहुत विश्वास आया, हमारी शादी भी इस डेरे में हुई थी। हाँ जी, बहुत विश्वास आया। मैम, गुरुजी ने काम क्या किए हैं समाज के लिए, लोगों के लिए? बहुत भलाई करो, लोगों की अच्छा बर्ताव करो, बहन भाई को समझो, ऐसा ही करते। कभी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था 4 साल पहले उनके बारे में, कभी ऐसा देखा हो आश्रम में, मतलब लड़कियों को लेकर सुरक्षा को लेकर माहौल कैसा लगता है? सुरक्षा बहुत, पिताजी समझाते हैं अच्छे रहो, अच्छा मतलब अच्छा लगता है, लड़कियां सुरक्षित हैं आश्रम में? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुरक्षित है। जो तमाम आरोप लगाए गए हैं संत जी के ऊपर, उसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी बारे। आपको लगता है आज संत जी की जरूरत है समाज? बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार? मांग की यही करेंगे, हमारा पिताजी आए जल्दी, बहुत जल्दी आए, सब दुनिया, सब उनका परिवार वेट कर रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जनता की लगातार डिमांड है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी साथ समाज में वापस आए। आप भी देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ, फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।